चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पीटा ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही सिंपल ईजी रेसिपी है ये। मिडल ईस्ट की पीटा ब्रेड है, बहुत सारे खानों के साथ ये यूज़ की जाती है और इसका सैंडविच भी बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए मैं 250 ml दूध ले रही हूँ। इसमें 1 tablespoon शुगर ऐड करेंगे, 1 teaspoon ईस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी में 2 tablespoon सूजी और 1/4 teaspoon नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैं ये 300 ग्राम मैदा मिक्स करूंगी। धीरे धीरे मैदा डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। 2 tablespoon कुकिंग ऑयल भी इसी में ऐड करेंगे। सबको मिक्स करके इसकी एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। मैंने चैनल पे बटर नान की और लखनवी पराठे की रेसिपी भी अपलोड करी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। ये डो हमारी रेडी हो गई। अब इसको थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। ग्रीस करके हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये फर्मेंट हो जाए, इसका साइज डबल हो जाए। ये देखिए, ये डो हमारी फर्मेंट हो गई। अब हम इसकी ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस साइज की भी आपको ब्रेड बनानी है उस साइज का आटा लेके उसका इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। ये देखें, ये मैं 4 रोटी बना रही हूँ। इसको बना के इस तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसकी एक रोटी बेल लेंगे, जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं। ये पीटा ब्रेड का मिडिल ईस्ट में सैंडविच बनाया जाता है, फलाफल डाल के बहुत ही यम्मी सैंडविच बनता है। फलाफल की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड करी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस साइज की रोटी बेल ली। ये हमारी रोटियां तैयार हो गई है। एक रोटी को मैं ओवन में बना के आपको दिखाती हूँ। ये ट्रे को मैंने मैदे से डस्ट कर लिया और ये रोटी इसके ऊपर रख के इसको मैं ओवन में रख दूंगी। 200 डिग्री पे इसको कुक करेंगे। जब इसका नीचे से कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा ग्रिलर ऑन करके ऊपर से भी कलरिंग कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये दूसरी रोटी को मैं तवे पे बना रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से अपने आप फूल गई। जब ये फूल जाएगी तो हम इसका साइड फ्लिप कर देंगे और इसको इस तरह से किचन टॉवल से दबा के भी आप सेक सकते हैं। ये देखिए, ये रेडी हो गई। मैं इसे आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रोटी मैंने तवे पे डाली, कितनी अच्छी सी फूल गई है। इसको साइड फ्लिप कर और दिया, ये हमारी रेडी हो गई। इसी तरह से हम सारी ब्रेड्स को प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने ओवन में रखी थी ये उसका लुक है, कितनी अच्छे से ये भी फूली है। और ये हमारी तवे वाली है। अभी मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये रहा हमारी पीटा ब्रेड का लुक। ये देखिए, अंदर से कितनी अच्छी सी फूली थी, एकदम आराम से एक पॉकेट बन गई है इसकी। इसी के अंदर हम फलाफल फिल करके इसका सैंडविच बनाएंगे। ये देखिए, और ये इतनी सॉफ्ट और यम्मी है। ये देखें, ये ओवन वाली है, ये भी उसी तरह से बनी हुई है। इसको भी मैंने आपको कट करके दिखा दिया, इसका भी लुक अंदर से सेम वैसा ही है। सो ये हमारी पीटा ब्रेड रेडी हो गई। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे औरों के साथ शेयर करिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।